बॉलीवुड में नागिन के लिए फेमस मानी जाने वाली श्रीदेवी को हमेशा से ही उनकी शानदार एक्टिंग की वजह से पहचाना जाता था। ये इनकी शानदार एक्टिंग ही थी कि इन्हें मरने के बाद आज भी लोग इनकी चर्चा करते हैं। और कुछ ऐसी ही चर्चा जाह्नवी कपूर की भी हुई थी जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने का डिसाइड किया था। चूंकि ये श्रीदेवी की बेटी थी इसलिए लोगों को इनसे काफी उम्मीदें भी थी और खूबसूरती में ये भी श्रीदेवी से किसी भी तरह से कम नहीं थी। लेकिन आखिर इन्हें करियर में श्रीदेवी जैसी सफलता क्यों नहीं मिली और अब तक लाइफ में क्या कुछ इन्होंने हासिल किया और इतनी खूबसूरती और टैलेंट के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है इन्हें नेम और फेम, जानेंगे सब कुछ अपने इस आज के वीडियो में। जान निक नाम से फेमस जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की बड़ी बेटी हैं, जो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस तो हैं ही साथ में एक मॉडल के तौर पर भी जानी जाती हैं। इनका जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ था। शायद इनके बारे में एक बात आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि श्रीदेवी शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और तब आनन फानन में सिचुएशन को समझते हुए बोनी कपूर और श्रीदेवी ने शादी की थी और जाह्नवी का जन्म हुआ था। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। बात करें अगर इनकी स्कूलिंग के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से पूरी की है और कॉलेज के लिए इन्होंने द ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट का रुख किया जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इन्होंने थिएटर एंड फिल्म में ग्रेजुएशन किया है। इन्हें हमेशा से ही घूमना फिरना काफी पसंद है और अक्सर ये ट्रैवल करती हुई स्पॉट भी होती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई ट्रैवलिंग से रिलेटेड पिक्चर्स पोस्ट भी करती हैं। साथ ही इन्हें म्यूजिक और डांस का भी काफी शौक है और अक्सर ये सोशल मीडिया पर अपने क्लासिकल बेली और कई और डांस फॉर्म के वीडियोस पोस्ट करती हैं, जहां इनके फैंस इन्हें काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। अब अगर बात करें इनके करियर की तो श्रीदेवी की बेटी होने के नाते और फिल्मी बैकग्राउंड होने के नाते ये तो काफी प्रेडिक्टेड था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना इनका भी सपना रहेगा ही। इसलिए अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये यूएसए से इंडिया वापस आ गई और उसके बाद इन्हें साउथ के जाने माने एक्टर महेश बाबू के साथ 2015 में एक तेलुगु फिल्म से ऑफर मिला। लेकिन दोनों के बीच एज गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ बात कुछ बन नहीं सकी और इन्होंने उस प्रोजेक्ट को मना कर दिया, जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इनका बॉलीवुड डेब्यू करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और तब जाकर फाइनली 2018 में इन्होंने धड़क मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जहां इनके साथ ईशान खट्टर थे को एक्टर के तौर पर। हालांकि इनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ इस मूवी के गाने लोगों के बीच काफी पसंद किए गए थे। ऐसे में साल 2020 में इन्होंने गुंजन सक्सेना नाम की एक मूवी की थी जिसे ओटीटी पर रिलीज किया गया था, जहां इनके काम की काफी तारीफ भी हुई और गुंजन सक्सेना पर बेस्ड होने की वजह से ये मूवी जाह्नवी की पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में बेहतर कमाल कर सकी। लेकिन अभी भी जाह्नवी श्रीदेवी की तरह फेमस नहीं हो सकी थी और इन्हें सफलता ने गले नहीं लगाया था। साल 2021 में इन्हें रूही मूवी में कास्ट किया गया, जहां से इस मूवी ने जाह्नवी के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट बन के उभरी। इस मूवी में इनके साथ राजकुमार राव भी थे। बात करें अगर इनके द्वारा अब तक किए गए मूवीज के बारे में तो इन्होंने धड़क, मीली, गुड लक जेरी, रूही, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल जैसी कई मूवीज की है। अब तक इन्हें बॉलीवुड की कई अलग अलग कैटेगरीज में कई अलग अलग तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें 2018 में लोकमत स्टाइलिस्ट अवार्ड स्टाइलिश डेब्यूटेड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मिला था, जो इन्होंने जीत लिया था। साथ ही 2019 में इन्हें जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू के लिए मिला था। 2022 में इन्हें पिंक विला आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया था और 2023 में इन्हें पिंक विला स्टाइल आइकन अवार्ड मिला था। सोशल मीडिया पर वैसे ये काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैन से इंटरैक्ट भी करती रहती हैं। अगर हम बात करें इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तो इनके इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन से भी कई ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब अगर बात करें इनके फैमिली मेंबर के बारे में तो इनके फादर बोनी कपूर एक प्रोड्यूसर हैं और इनकी माँ श्रीदेवी जो एक बॉलीवुड की फेमस एक्टर रह चुकी हैं, जिनकी साल 2018 में कुछ रहस्यमय तरह से मौत हो गई थी। इनके भाई का नाम अर्जुन कपूर है, जो बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना सौरी कपूर के बेटे हैं। वहीं इनकी बहन खुशी कपूर और अंशुला कपूर हैं। वैसे बात करें अगर इनके बॉयफ्रेंड्स की तो इनका नाम
सबसे पहले इनकी पहली फिल्म के को-एक्टर ईशान खट्टर के साथ जोड़ा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी रूमर घूम रही है कि ये शिखर पहरिया को डेट कर रही है। अब अगर हम इनके इनकम और कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक मूवी के लिए 5 से 6 करोड़ की फी लेती है और किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए 70 से 80 लाख रुपए की फी वसूल करती है। अगर इनके इनकम को जाने तो इनकी ज्यादा इनकम इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही होती है। बात करें अगर इनके नेट वर्थ की तो इनकी नेट वर्थ लगभग 10 मिलियन के आसपास है। कार कलेक्शन में इनके पास मर्सिडीज मेबाज, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, BMW X5, Mercedes GLE जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। वैसे बेशक इन्होंने करियर में अभी उतनी सफलता न हासिल की हो, लेकिन फिर भी इनके फैंस इन पर अपनी जान छिड़कते हैं और इन्हें काफी प्यार करते हैं। तो बॉलीवुड की इस ग्लैमर क्वीन जाह्नवी कपूर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट रिसीव हो सके सबसे पहले।